दिखाता हूँ ऑटोमाइज आटा चक्की जो कि बहुत छोटी सी है और आप अपने घर का सारा छोटा सा जो भी काम है जैसे गेहूँ पीसना है या मक्का पीसना है या बाजरा या बेसन ही क्यों ना हो वो सब आप अपने घर में कर सकते हैं। छोटी सी मशीन है ऑटोमाइज आटा चक्की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं, देखते हैं। तो नीलम जी, आपके पास ये मशीन कब से है ऑटोमाइज आटा चक्की? तो आप 5-6 महीने से इसमें आटा और बेसन बना रहे हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये ऑटोमाइज चक्की है और ये बहुत छोटी सी दिखती है। देखो दोस्तों, ये इनके किचन में जैसे ये वाटर डिस्पेंसर है ना छोटा सा, ये इतना ही साइज का, ये देखो ये छोटी सी ये आटा चक्की है। तो ये काम कैसे करती है आप मुझे बताएंगे हमारी ऑडियंस को जरा? इसको पहले खोलेंगे। इसको खोल लिया आपने सबसे पहले, फिर आप ये पावर प्लग इन करेंगे, ये पावर दबा दिया इन्होंने, ये आवाज आ रही है, रिंग टोन बोल रही है, आवाज आ रही है। अनाज डाल दिया आपने, ओ आपने अनाज डालती है, अपने आप ही चालू हो जाती है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो इतना आसान था, आपने बस बटन दबाया दोस्तों यहाँ से और आवाज आई और इन्होंने डाल दिया ऊपर में और ये अपने आप चालू हो गई। तो इसे आप ओपन भी रख सकते हो ऐसे और बंद भी कर सकते हो, इससे आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है दोस्तों और देखना भी आसान होता है। कोई आपका मेहमान भी आता है तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। हाँ अच्छा, अगर ये चलते हुए में आप दोस्तों अगर इसको खोल देंगे तो देखो, अगर किसी बच्चे ने शरारत कर दी और अगर आप ये खोलते हैं, देखो ये ओपन है, हाँ ये ओपन है, और अगर आप इसे खोलेंगे देखो तो देखो अगर किसी बच्चे ने शरारत या क्यूरियोसिटी के तहत अगर उसने ओपन भी कर दिया तो अपने आप बंद हो जाती है, तो कोई करंट का झंझट नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बच्चे को हाथ वात नहीं कटेगा, या अगर किसी ने खोल भी लिया गलती से चालू में भी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अच्छा, ओह ये तो अपने आप ही ओपन हो गई, ये तो कितनी अच्छी बात है, तो इसमें तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, खतरा बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चों का खेल है इसको तो चलाना, इसको तो अनाज खत्म होते हैं तो अपने आप ये बंद हो जाती है, आप ये कह रहे हैं मतलब रिंग टोन बोलने लग जाएगी। अच्छा, जैसे अपन कुछ काम कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि इसमें अनाज खत्म हो गया है, तो अपने आप बंद हो जाती है। और ये इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है ना, इसमें मैदा पीस सकते हैं, मीडियम आटा, पतली रोटी, बाकरी, मोटी बाकरी, करकरा, ये सब आ जाएगा। तो अब चावल, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सब आप इसमें गेहूँ, चावल, दालें और चने की दाल है, मक्का भी है, हाँ। और बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आप हल्दी भी ये सब बना सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर भी, और एक बार हमारे को थोड़ा सा ये आटा दोस्तों थोड़ा सा ये मोटा दे रहा था तो हमने कॉल किया था कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने बिल्कुल रिस्पांस दिया और अगले 2 दिन में बंदा उन्होंने अवेलेबल करा दिया था। दोनों भाई आए थे, वो कोई इलेक्ट्रीशियन जो थे हेल्पिंग हैं, तो वो आके गए और उन्होंने बिल्कुल से सही कर दिया। आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मतलब इसमें जैसे अपन नाज डालते हैं ना, तो चलती टाइम पे इसमें नाज नहीं डालना चाहिए। हाँ, चलती में नहीं डालना चाहिए, जब वो आवाज होगी तब बोलेगी, तब बोलेगी अपना। लेकिन जो कस्टमर सर्विस की जो हम बात कर रहे हैं, एक बार जो थोड़ा आटा मोटा सा आ रहा था फिर आपने कॉल किया इस नंबर पे, तो दो भैया आए थे उन्होंने सही कर दिया, आपके पैसे भी नहीं लगे। तो क्या हो गया था उस चलनी में, क्या बताइए? मोटा दे रहा था। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने हथौड़े से इसको सही किया था फिर। अच्छा, हथौड़े से सही किया तो अभी बिल्कुल सही कर रहे, मतलब इसमें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं थी, बस इसका गैप कम किया था उन्होंने, आई थिंक तो ये ठीक हो गया और आपके कोई चार्ज भी नहीं लगे और वो आके करके चले गए। तो सर्विस के लिए क्या बोलोगे, सर्विस अच्छी थी? हाँ, बहुत बढ़िया है ये सर्विस, आपको तकलीफ नहीं आ रही? और कोई परेशानी आई, करंट लगना, बारिश में कोई दिक्कत नहीं आई? और आटा कैसा निकलता है हमारी ऑडियंस को दिखाओ, देखो अब तो बन गया होगा ना आटा, थोड़ा सा जरा दिखाइए, हमारी ऑडियंस देखेगी कि देखो दोस्तों आपके सामने जो आटा डाला था वो कैसा निकल के आया है, इस तरह से देखो कितना अच्छा आटा है, देखिए दोस्तों इसमें दो नंबर की भी चलनी लगा सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं ना। हाँ, इसमें ये क्या आप मुझे चलनी दिखाइए, हमारे दोस्तों को तो समझ पाएंगे। देखो इसमें, अच्छा ये चलनी है, इसमें चलनी फिट होती है इसको दबा के। अच्छा, इसमें ये, अच्छा चलनी इसमें लगती है। अच्छा, तो इसमें जैसी आप ये चलनी लगाओगे तो वैसा आटा ये आपको मोटा पतला 1 नंबर 2 नंबर ये दे देगा।
जैसे दाल के लगा लो, चीनी के लगा, सबकी अलग अलग है। तो ये सब बहुत आसानी से दोस्तों आप ये लगा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। और मक्का, बाजरा, गेहूँ, चना सब आप कर सकते हो। और ये सब इसमें लिखा हुआ भी है कि कौन सी चीज के लिए आपको कौन सा नंबर प्लेट लगानी है। ये भी इतना आसान है दोस्तों, देखो कितना आसान है, काफी अच्छा है। तो 8-10 महीने में जितना भी आपको टाइम हुआ आटा, ये ऑटोमाइज आटा चक्की लेके आप कितने खुश हैं। आपको बाजार नहीं जाना पड़ता आटा लेकर के बार बार, घर में पीस लेते हैं ताजा ताजा आटा, बढ़िया पीस लेते हैं। और इतना गर्म भी नहीं होता है, नहीं, उसमें तो जो पत्थर पे जो बनाते हैं पत्थर से तो आटा गर्म हो जाता है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। इसकी तो क्वालिटी काफी अच्छी है, ज्यादा नहीं चलाते, मतलब वेस्ट करने के लिए भी दे देते हैं इसको थोड़ा सा, ज्यादा जैसे 6-7 घंटे एक साथ नहीं चलाते हो, नहीं तो उसे मोटर का दिक्कत होगा। तो 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का दोस्तों इसमें ना 1 एम्पियर का इसका वोल्टेज है ऐसा। तो ये सोलर से भी चल जाता है, आपका इन्वर्टर से भी चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट खींचता है, लोगों को लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा बिल खाएगा, तो बिल खाने का भी ऐसा नहीं है। बहुत हल्का 1 एम्पियर का इसका ये है, लोड खींचता है, तो बहुत कम रुपए में ये आपको अपने घर पे ही आटा बना देगा। जैसे जैसे यहाँ से हवा पास होती है ना, ताकि ये कूलिंग के लिए, तो इसको ये साफ कर देंगे। और जब ये दोबारा जब आपको इसको यूज करना होगा उस तब भी आप उसको साफ करके ही करना होगा, वो चीज है। गीला कपड़ा, गीला कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, गीला नहीं लगाना है। और ये जो आपकी जो ये गैप इसलिए दिया है दोस्तों कि आप ब्रश भी रख सकते हो और ये छोटी छोटी जरूरत की चीजें आप रख सकते हो। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि इसकी जो चार्जिंग ये जो वायर है, जब आप इसे यूज कर लेते हो तो आप इसको इसी में रख देते हो। देखो बताइएगा, आप इसको इसी में रख देते हो, कीड़े नहीं लगते हैं। और ये बहुत प्यारा, देखो दोस्तों ये कितना प्यारा दिख रहा है, ये कितना प्यारा दिख रहा है। और लग ही नहीं रहा कि ये आटा चक्की आप इसे यूज कर रहे हो। और ये इतनी छोटी सी कि जगह भी नहीं घेरती है, छोटी सी जगह है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप खुश हैं ऑटोमाइज वालों से, उन्होंने एक अच्छा आविष्कार किया, अच्छी चीज बनाई। तो आप और भी लोगों को सजेस्ट करेंगे अपने आसपास, तो हम भी फिर इसे एक और मंगाएंगे जिसमें हम और भी ज्यादा क्वालिटीज यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ऑटोमाइज वाले जो हैं वो ये तो खैर पर्सनल यूज के लिए, लेकिन वो प्रोफेशनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए भी बड़ी बड़ी आटा चक्की हैं। आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखेंगे तो आएंगे, लेकिन ये घर के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है, देखिए ये बहुत सुंदर। चलो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे, हाँ, फ्रिज जैसा लगता है, वाटर कूलर छोटा सा, वाटर डिस्पेंसर जैसा लगता है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत पुराने टाइम की जैसे होती थी आटा चक्की, गंदी गंदी सी जैसे दिखती थी, डरावनी दिखती थी, सुंदर है बहुत। और आपके घर से इंटीरियर से भी देखो ये मैच कर जाती है दोस्तों, बहुत आसान रहता है ये। तो नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी ऑडियंस को एजुकेट किया। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ में, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने ये छोटी सी मशीन कितना इजी आपको कर देती है। तो आप भी ऑटोमाइज आटा चक्की ले सकते हैं हमारी तरह और स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। और इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लोगों को आटा तो खाना ही है, रोटी तो खानी है। तो हम यहाँ ट्राइबल में, राजस्थान में, तो लोगों को आटा लेकर के जाते हैं ना पिसवाने के लिए। हम देखते हैं हमारे घर के आगे सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, बाजू में भी एक आटा चक्की, तो हमको जाना नहीं पड़ता। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है, अपनी जान सेफ्टी में भी है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आपको कहीं जाना नहीं है और अपना सारा काम खुद से ही कर सकते हो। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे ऐसी एजुकेशन।